बिल्कुल हमसे जो है अगले कवि जो है संजय जैन सर जुड़ चुके हैं जो नई दिल्ली से हैं। सर प्रणाम, आपको नमस्कार, और द मैजिक मैन एंड चंद्रा के इस पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और जी थोड़ी सी नमस्कार, बहुत जानकारी बहुत आप, नमस्कार। जी सर, बहुत आप नमस्कार। कला साहित्य एवं भाषा विभाग में जो है दिल्ली में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। गीत, गजल, दोहा, मुक्तक सभी विधाओं में आप लिखते हैं। कई सम्मान पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। एक बार पुनः मैं इस पटल पर आपका स्वागत करती हूँ और चाहूंगी कि आप अपनी रचनाएं साझा करें। जी सर, जी बहुत बहुत आदरणीय संजय शुक्रिया जैन जी सभी को। साहब, द मैजिक मैन एंड नमस्कार। चंद्रा के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और देखिए कि हम आपकी रचनाओं को सुनना चाहते हैं, तो प्रस्तुत कीजिए सर आपकी रचना। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एन जी चंद्र के इस पटल पर बिना किसी भूमिका के आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, पावन मंच को चरण स्पर्श करता हूँ और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है, इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है, मंदिर में मूरत तो है, भगवान नहीं है और कोई वाह नहीं वाह, मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा इंसान यहाँ संजय। इंसान होकर भी इंसान बनना आसान नहीं है, इंसान वाह होकर भी क्या इंसान बात, बनना आसान नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दो खूब, पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूँ कि स्वागत है। इंसानों के बीच रहकर इंसानियत खुद शर्मसार है, इंसानों अच्छा के बीच रहकर इंसानियत खुद शर्मसार है, क्योंकि पहले रहते थे दीवारों में रिश्ते, आज रिश्तों में दीवार है, आज ओ रिश्तों वाह, में दीवार क्या बात कह दी आपने, बहुत खूब, बहुत बहुत सी। गहराई वाली बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहते हैं जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, और माँ भारती की वंदना आप लोग कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ एन चंद्रा की पूरी टीम को और एक छंद के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि स्वागत। कोख में रखा नौ मास, कोख में रखा नौ मास मन में था विश्वास, कोख में रखा नौ मास मन में था विश्वास, चैन से बुढ़ापा मेरा सुत कटवाएगा। कोख में रखा नौ मास मन में था विश्वास, चैन से बुढ़ापा मेरा सुत कटवाएगा, लालन पालन किया जीवन ही झोंक दिया, एक दिन सुत मेरा बड़ा बन जाएगा। खुश होए नाचूंगी मैं, राजभोग बांटूंगी मैं, जिस दिन सुत मेरा बहू लेके आएगा। सपने संजोती नहीं आज यूं ही रोती नहीं, सपने संजोती नहीं आज यूं ही रोती नहीं, होती जो खबर मुझे सुत छोड़ जाएगा, होती अरे जो क्या बात, खबर मुझे सुत बहुत छोड़ क्या जाएगा। बात, बहुत बहुत आभार, आदरणीय संजय बहुत जी, बहुत आपने धन्यवाद। स्त्री मन की रचना को आपने मन से प्रस्तुत किया है, क्या बात, बहुत खूब, ऐसा जी बहुत कम होता है। बहुत जी बहुत 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 सर, शुक्रिया, बहुत बहुत सर आभार। मीता दास जी जुड़ चुकी हैं, सुमन आशना जी, सुलेखा मैम, नीता जोशी मैम, सुलेखा जी, रश्मि लहर जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है बने रहने के लिए। जी सर, एक हमारे साथ पुस्तक बहुत पढ़ता हूँ साथी जुड़े आपके हुए बीच। संगीत के, जी, एक स्वागत सर। पुस्तक पढ़ता हूँ कि छुए जब भी कदम माँ के हमेशा काम बनता था, छुए जब भी कदम माँ के हमेशा काम बनता था, दुआएं साथ चलती थी तभी तो नाम बनता था, बनाया ईंट पत्थर से मकान मैंने मगर संजय, रखे जब भी कदम क्या माँ ने हमेशा धाम बनता था, छुए रखे जब भी कदम माँ ने हमेशा धाम बनता था। और शुरुआत करता हूं मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों से, अपनी पूजा की पंक्तियों से, इससे अच्छा मैं आज तक कुछ नहीं लिख पाया, मात्र सर्वश्रेष्ठ छह सात स्वागत करते हैं। पंक्तियां। कहते हैं कि पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता है, और यह मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने जब लाल किले का मंच पढ़ा तब भी मैंने ये कविता वहां पर 6 पंक्तियों की केवल है आपके बीच रखता हूं कि पहली नजर का पहला प्यार होता है वो सदाबहार। सभी जानते हैं अच्छा, कि पहली नजर का पहला प्यार होता है वो सदाबहार, उसने जब पहली बार मुझको देखा था अपनी नम आंखों से, वो कुछ नहीं बोली थी,
और मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब अपनी आंखें खोली थी। मैंने उसे क्या बात पहली है, बार तब क्या देखा बात था जब अपनी है, बहुत आंखें खोली थी। मिश्री से भी मीठी उसकी जुबां लगती है, सच पहली नजर का पहला प्यार मुझे माँ लगती है। पहली नजर बहुत का खूब, पहला प्यार बहुत खूब, मुझे बहुत माँ खूब, बहुत लगती खूब, है। क्या बहुत बहुत मिठाया है आपने धन्यवाद सामने, बहुत सुंदर, बहुत खूब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पूजा की पंक्तियां थी। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं आज तक कुछ नहीं लिख पाया। कभी चार पंक्तियां मैंने कही थी कि भले ही महबूब का मेरे दुपट्टा बहुत रंगीला था, भले ही महबूब का मेरे दुपट्टा बहुत रंगीला था, मगर जब मेरी आंखों में आंसू थे तो आंचल माँ का गीला था। मगर जब मेरी बहुत आंखों में आंसू थे तो आंचल माँ का गीला था। सुंदर, बहुत क्या बात सुंदर, है बहुत सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए माँ के नमन के साथ अपनी जननी जन्मभूमि को भी हम प्रणाम कर लें, नमन कर लें, उन शहीदों को भी नमन कर लें। चार पंक्तियां एक मुक्तक के माध्यम से आपके बीच रखता हूं कि शहीदों स्वागत। को शहादत का जरा भी गम नहीं होता, शहीदों को शहादत का जरा भी गम नहीं होता, मिटा दे उनकी हस्ती को किसी में दम नहीं होता, और बहा लेते जो उनकी याद में दो चार हम आंसू, हमारी आंख का पानी जरा भी कम नहीं होता, हमारी आंख का बहुत खूब, पानी जरा भी कम नहीं होता। बहुत खूब, मित्रों बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हालात हुए जब हमारे वीर सैनिकों की बलि चढ़ी, और तब एक गीत जब वो अपनी बस में आ रहे थे, पूरा बम विस्फोट हुआ पुलवामा के शहीदों को याद करिए। मैं उन्हें नमन करता हूं अपने गीत के माध्यम से। आप तक गीत आपके आसपास पहुंचेगा, आपको दस्तक देगा, तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा, अपने आशीष से नवाजिएगा कि प्रेम स्वागत। की एक शहीद अपनी पत्नी को खत लिखता है, पत्र लिखता है, उस पाती में वो क्या लिखता है अपनी पत्नी को, और वो पाती वो अपनी पत्नी को डाल नहीं पाता, उसकी जेब में रखी रह जाती है, और जब पाती जेब में रह जाती है तब क्या भाव उसमें थे, केवल वो भाव आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि स्वागत प्रेम स्वागत। की एक पाती लिखी है प्रिय, प्रेम की एक पाती लिखी है प्रिय, जिसमें मन के सभी भाव है लिख दिए, जब भी बारिश की बूंदों ने तन को छुआ। भाव देखिए अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है कि जब भी बहुत बारिश की बूंदों ने तन को छुआ, साथ होने का एहसास मन को हुआ, जब बहुत भी बारिश की बूंदों ने तन को छुआ, साथ होने का एहसास मन को हुआ, सरहदों पर चली जब भी थी गोलियां, चूड़ियों की खनक याद आई प्रिये, प्रेम बहुत की एक पाती लिखी है प्रिये, जिसमें मन के सभी भाव है लिख दिए। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। कि ये बसंती पवन आज खुश है बड़ी, अपने परिवार से फौजी मिलने के लिए आ रहा है, मन में बहुत प्रसन्नता है, तब क्या कहता है, ये बसंती पवन आज खुश है बड़ी, आ रही जल्द ही वो मिलन की घड़ी, खत्म होने को है अब विरह के ये पल, धड़कने बढ़ रही उन पलों के लिए, प्रेम बहुत खूब, की एक पाती लिखी है प्रिये। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वो फौजी घर आता है, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, बन देखिएगा कहीं आपके मन को स्वागत। छू जाए, तो आशीष दीजिएगा कि
कि मैंने कुछ सच्ची भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि मैंने गुड़िया भी ली, मैंने गाड़ी भी ली, मैंने गुड़िया भी ली, मैंने गाड़ी भी ली, चश्मा बाबू जी का, माँ की साड़ी भी ली, एक कुर्ता बहन के लिए है लिया, और पायल खरीदी तुम्हारे लिए, प्रेम की एक पाती लिखी है प्रिय, जिसमें मन के सभी भाव है लिख दिए। और तभी बम विस्फोट होता है, सारी इच्छाएं सारी तमन्नाएं वही समाप्त होने लगती है। तब उसके मन में क्या भाव उठते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आखिरी बंद है इस गीत का कि आखिरी वक्त है, जानता हूं ये मैं, आखिरी वक्त है, जानता हूं ये मैं, हूं तुम्हारा ऋणी, मानता हूं ये मैं, आखिरी वक्त है, जानता हूं ये मैं, हूं तुम्हारा ऋणी, मानता हूं ये मैं, अश्रु आंखों से जाने निकल क्यों पड़े, अश्रु आंखों से जाने निकल क्यों पड़े, शब्द जितने लिखे थे सभी धुल गए, शब्द जितने लिखे थे सभी धुल गए, प्रेम की एक पाती लिखी है प्रिय, जिसमें मन के सभी भाव है लिख दिए, जिसमें मन के सभी भाव है लिख दिए। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर पंक्तियां सर, और सभी लोग सराहा रहे हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। रश्मि लहर जी कह रही हैं बहुत सुंदर, सुलेखा मिश्रा जी जय हिंद का नारा लगा रही हैं, रघुवीर सिंह चारण जी जय हिंद जय जवान कह रहे हैं, सुलेखा मिश्रा जी जय जवान जय भारत कह रही हैं, रजनी श्रीवास्तव जी वह बहुत खूबसूरत, नीता जोशी जी मैम सराहा रही हैं, सभी लोगों ने बहुत जो है सर वाकई में भाव विभोर करने वाली रचनाएं, बहुत खूबसूरत पंक्तियां, और हमारे उन जवानों को नमन सलाम है सर उनको जी, बहुत खूबसूरत पंक्ति सर, बहुत बहुत आभार संजय जी। आदरणीय संजय जी आपकी इस रचना ने आंखों की कोरों पर पानी की बूंदे ला दी, सच में इतनी बहुत बहुत आभार रचना रही, और आपकी रचना के माध्यम से हम सभी उन शहीद सैनिकों के समस्त हम नतमस्तक हैं, वाकई सैल्यूट आपको, आपकी रचना को, हमारे सभी सैनिकों को, ऐसा मन करा था बस सुन ही रहे थे, बह रहे थे आपके साथ, बहुत बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति। रेखा शर्मा जी कह रही हैं बहुत सुंदर भाव जी मैम, वाकई में बहुत सुंदर अद्भुत भाव जी सर, स्वागत है आपका अगली रचना के लिए जी, मैं बिल्कुल इसी भाव को आगे लिए चलता हूँ, और चलिए एक रचना और जो मेरी मेरे दिल के बहुत करीब है। चार मुक्तकों में पहले मैं अपनी चार पांच मुक्तकों के अंदर इसमें शहीद ने पहली पाती अपनी पत्नी को लिखी, और इसमें एक फौजी, आप कल्पना कीजिएगा कि एक फौजी सरहद पर बैठा है, उसके माथे पर गोली लगी है, मस्तक पर गोली लगी है, माथे से खून बह रहा है, और वो अपनी बहन को आखिरी पत्र लिखता है, अंतिम पत्र लिखता है। एक एक मुक्तक के माध्यम से मैंने कुछ भाव संजोने का प्रयास किया है, कोशिश करता हूं कि आप तक वो उस पाती को पहुंचाऊं, उस पत्र को पहुंचाऊं। देखिएगा अपनी बहन से क्या कहता है। स्वागत है सर, स्वागत जी। मुझे मालूम है बहना, मैं वापस लौट न पाऊंगा,
मुझे मालूम है बहना मैं वापस लौट न पाऊंगा, मगर वादा है ये तुझसे तेरा वादा निभाऊंगा। रखूंगा लाज राखी की कटेगी तब मेरी गर्दन, वतन के दुश्मनों की जब मैं गर्दन काट आऊंगा, वतन के दुश्मनों की जब मैं गर्दन काट आऊंगा। बहुत बहुत आभार। आगे कहता है स्वागत, तेरी भाभी की चूड़ी की खनक लगती है गोली में। क्या बात, देखिएगा एक चित्र, एक चित्र देखिएगा शायद आपने। संजय जी क्या इतना द्रवित कर रहे हैं आप, सभी हमारे सभी साथियों को, सुनने वालों को, सभी को, हमको, बहुत खूब, शब्द नहीं आपकी रचना के लिए, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। और चित्रण देखिएगा, शायद आपने इस तरह का कहीं मेल बहुत कम देखा होगा। प्रयास करता हूँ, सुनिएगा कि तेरी भाभी की चूड़ी की खनक लगती है गोली में, लहू माथे का बहकर अब मिला टीके की रोली में, तू मेरे लाल से कहना उसे पापा सा बनना है, शहादत डालनी होगी उसे भी अपनी झोली में, शहादत डालनी होगी उसे भी अपनी झोली में। आगे कहता है जी, मेरी माँ से ये कह देना नहीं है पीठ दिखलाई, मेरी माँ से ये कह देना नहीं है पीठ दिखलाई, मुझे थी याद सब बातें कभी तूने जो सिखलाई, पिलाया दूध छाती का कभी अपना जिसे तूने, पिलाया दूध छाती का कभी अपना जिसे तूने, तेरे उस लाल ने गोली छाती पर ही है खाई, तेरे उस लाल ने गोली छाती पर ही है खाई। बहुत बहुत आभार। और आगे कहता है, पिताजी से ये कह देना जरा भी गम नहीं करना, पिताजी से ये कह देना जरा भी गम नहीं करना, गले लग कर कभी माँ से ये आंखें नम नहीं करना, तू कहना गर्व से सबसे वतन पर नाज था उसको, बहाकर आंख से आंसू शहादत कम नहीं करना, बहाकर आंख से आंसू शहादत कम नहीं करना। और आगे कहता है, तुम्हारे वास्ते ही ये बहारों का चमन होगा, तुम्हारे वास्ते ही ये बहारों का चमन होगा, तुम्हारे वास्ते ही ये सितारों का गगन होगा, हमें तो है जुनू इतना वतन पर जान लुटानी है, हमारे वास्ते तो ये तिरंगे का कफन होगा, हमारे वास्ते तो ये तिरंगे का कफन होगा, हमारे वास्ते तो ये तिरंगे का कफन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर सर। और नीता जोशी जी मैम कह रही हैं, वीर जवानों को नमन। लेखा शर्मा जी कह रही हैं, दमदार प्रस्तुति, बेहतरीन। हिमांशी जी बहुत खूब। शिवान सरस कह रहे हैं, वाह वाह। सुलेखा मिश्रा जी कह रही हैं, बहुत खूब, निशब्द हूं मैं। रजनी जी बहुत मार्मिक। सभी लोग बहुत खूबसूरत और भाव विभोर होकर कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने हुए हैं, लगातार जुड़कर रचनाएं सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर स्वागत है आपका।
चलिए महोदय इस जी, कड़ी की इतनी जी खूबसूरती से आप रचना प्रस्तुत कर रहे हैं ना, सच में ऐसा लग रहा है आप सुनाते जाइए, लेकिन साथ ही साथ इतना द्रवित करते जा रहे हैं, जितने सुंदर आपके भाव उतने ही सुंदर शिल्प के साथ और आपकी अभिव्यक्ति के साथ इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। सच में हृदय को छू रही है आपकी एक एक बात, एक एक शब्द। आप और रचनाएं कृपया जी, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में देश प्रेम से एक और रचना आपके बीच रखता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और बहुत स्वागत। आप देखिए, अभी तक आपने फौजी का वो मंजर देखा, वो दृश्य देखा जहां फौजी सरहद पर है, लेकिन कभी उसके घर पे कल्पना कीजिए जब फौजी का शव तिरंगे में लिपट कर घर आता है, तब वहां पर कितना मातम पसरा होता है, तब उसकी बहन का क्या हाल होता है, उसकी पत्नी का क्या हाल होता है, उसकी माँ का क्या हाल होता है, उसके पिता का क्या हाल होता है। अगर कहीं मैंने दृश्य को आपके दिल पर पहुंचा दिया, दिल तक दस्तक दे दी, तो मैं समझूंगा मेरा कविता धर्म पूरा हुआ, मेरा कविता लिखना सार्थक हुआ। आपके बीच एक गजल के चंद शेरों के माध्यम से वो मैं आपके बीच लग रखता रहा है हूँ। कि आप रसधार बहा रहे हैं और पटल पर अश्रुधार बहने वाली है। जी बहुत बहुत आभार। स्वागत है सर। जी स्वागत आप जी। सुलेखा मिश्रा जी कह रही है मैं रो रही हूँ, अश्रुधार शुरू हो चुकी है, लोग बाग भाव विभोर हो रहे हैं सर, बहुत रचनाओं को पसंद कर रहे हैं जी। अगली रचना के लिए आपका स्वागत है जी। मेरा ये सौभाग्य है। आप कल्पना कीजिए कि शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर घर आता है, तब क्या माहौल होता है। स्वागत। बंद कमरा दिखा, बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी। बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी, कान सुने दिखे बालियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में, तो हाथ की वो सभी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी, कान सुने दिखे बालियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में, तो हाथ की वो सभी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। कौन लाड़ो हमें अब कहेगा यहाँ, कौन लाड़ो हमें अब कहेगा यहाँ। सोचते 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 बेटियां रो पड़ी, सोचते सोचते बेटियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में, तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। एक कोने में जब रो रही थी बहन, एक कोने में जब रो रही थी बहन, एक कलाई दिखी, एक कलाई दिखी, राखियां रो पड़ी। एक कलाई दिखी, राखियां रो पड़ी। लौट कर आया जब शव तिरंगे में, तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी।
खेलते थे कभी फाग में रंग से, खेलते थे कभी फाग में रंग से, जब जनाजा उठा, जब जनाजा उठा भाभियां रो पड़ी, जब जनाजा उठा भाभियां रो पड़ी, लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। और ये पंक्तियां मैं हर शहीद की माँ को उनके चरणों में सादर नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूं कि आंख ही नम न थी दिल में तो दर्द था, आंख ही नम न थी दिल में तो दर्द था, हाल माँ का था वो, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी, लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। और अंत में कहता हूं कि देख संजय पिता का वो उजड़ा चमन, देख संजय पिता का वो उजड़ा चमन, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी, लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़िया रो पड़ी, बंद कमरा दिखा खिड़कियां रो पड़ी, कान सुने दिखे बालियां रो पड़ी, लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। बहुत बहुत आभार सर, आदरणीय बहुत आपकी रचना मार्मिक पर कुछ कहने चित्रण, का मन और जैसे नहीं कि कुछ कहने का साक्षात है। हम वहीं पहुंच गए हों और उस चीज को महसूस किया हुआ हो, और सभी ने नमन किया है, और आपको रजनी श्रीवास्तव प्रणाम दादा कह रही हैं, त्रिलोक मोहन पुरोहित सर कह रहे हैं, सुंदर प्रस्तुति, और सभी नमन कर रहे हैं। बहुत अद्भुत रचनाएं सर, निःशब्द हैं इस व्याख्या के लिए, तो कुछ व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। अद्भुत पंक्तियां, और हमारे सभी वीर जवानों को प्रणाम, नमन उनके कर्मों को, उनके योगदान को। आदरणीय, आपकी इस रचना पर वाह कहने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ कोई आवश्यकता भी सिर्फ नहीं आह निकल रही है। ये रचना है। उस बिल्कुल वाह बहुत 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 ऊंचाई पर है, परंतु मन इतना द्रवित हो गया कि वाह कैसे कहें, सिवाय आह के कुछ नहीं निकल रहा। और हम आपको देख रहे थे, किस शिद्दत से आपने इस रचना के एक-एक शब्द को, भाव को महसूस किया। आपके शब्दों से, आपकी आंखों से वो सारे भाव बह रहे थे, और हम उनमें भाव विभोर हो रहे थे। आदर, बहुत सुंदर, आपकी सृजन धर्मिता को प्रणाम और सैल्यूट।
आपकी सोच को कहाँ तक जाती है। वाकई बहुत खूब जी, बहुत बहुत आभार। आइए रस परिवर्तन कर दीजिए आदरणीय, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप मुस्कुराओगे। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा, थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं, नहीं तो इसी तरह से सभी उसमें रहेंगे तो बड़ा वो होगा। आइए हम आपको भी मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। जी जी जी, तो चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि यूं तुम्हारे इस शहर से हम गुजर भी जाएंगे, क्या बात, तुम्हारे शहर से गुजर भी जाएंगे, देख लोगे प्यार से तो हम निखर भी जाएंगे, यूं तुम्हारे इस शहर से गुजर भी जाएंगे, देख लोगे प्यार से तो हम निखर भी जाएंगे, और कश्तियां आंखें अगर हैं तो मुसाफिर अश्क हैं, रास्ते में ही कहीं पर ये उतर भी जाएंगे, रास्ते में ही कहीं ये उतर भी जाएंगे। और मैं कहा करता हूँ, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और रीता जी मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक मेरा मुक्तक है जो बहुत मशहूर हुआ और सभी ने बहुत प्रेम दिया, मेरे जीवन का श्रेष्ठ मुक्तक जो मुझे लगता है मैं आपके बीच रखता हूं, कि कभी मैं नाव कागज की नबारिश में चला पाया, कभी मैं नाव कागज की नबारिश में चला पाया, कभी भी रहनुमा कोई न अब तक मैं बना पाया, लगी थी दौड़ दुनिया में बहुत पैसा कमाने की, मुझे था शौक रिश्ते का सिर्फ रिश्ते कमा पाया, मुझे था शौक रिश्ते सिर्फ रिश्ते कमा पाया। और ये बहुत बहुत वही व्यक्ति सबसे अमीर है, वही व्यक्ति सबसे अमीर है जिसने रिश्तों की कमाई की है। जी, आज जी, के जी, समय में तो हम देखें कि इस विषम महामारी के समय में जिन बातों ने सुकून दिया है वो हमारे रिश्ते ही थे, कोई जी, पैसा जी, काम नहीं आया। बहुत खूब संजय जी, बहुत बहुत खूब आपके भाव, बहुत खूब। देखिये अब मैं रस परिवर्तन करना चाहता हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं मन को चंचल करना पड़ता है तब मनचला आदमी हो जाता है, और जब दो दो मंच संचालिकाएं इतना अच्छा मंच संचालन कर रही हो तो मैं अक्सर जब मैं मंच संचालन करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा मंच संचालन कर रहा होता है और वो भी इतनी खूबसूरती के साथ जब मंच संचालन हो रहा होता है तो मेरा मन है कि मैं आप इतना अच्छा कार्यक्रम चला रही है तो मैं अपनी चार पंक्तियां पहले आपके लिए निवेदित कर दूं कि आप वो हैं जो हवाओं में खुशबू चंदन भर दे, आप वो हैं जो हवाओं में खुशबू चंदन भर दे, आपको जो देखे वो नतमस्तक हो वंदन कर दे, आपने हीरों को तराशा है जौहरी की तरह, आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे, आप वो पारस हैं लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जी जी जी, धन्यवाद जी। और सर श्रीवास्तव जी हुई है सर हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपकी रचना को बहुत पसंद कर रहे हैं, मनोज जी जुड़ चुके हैं, सुलेखा मिश्रा जी लगातार बनी हुई हैं, केशव शर्मा जी जुड़े हुए हैं, लहरी संतोष जी, सुलेखा जी लगातार बनी हुई है, प्रशांत जी, सभी लोग सर आपकी रचनाओं को बहुत सराह रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। और अभी जो मार्मिक से हम उससे बाहर निकल कर आए हैं, सभी का मूड चेंज हो चुका है और आपको सभी सर पसंद कर रहे हैं, शानदार, वाह, बहुत खूब सर, सभी लोग आपके जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका। मैं सोचता हूं कि अब चलिए रस परिवर्तन करते हैं, एक पहले गीत। स्वागत है सर आपका। खत मेरा पढ़ लिया फिर छुपा भी दिया, खत मेरा पढ़ लिया फिर छुपा भी दिया, उसने कुछ था लिखा फिर मिटा भी दिया, उसने कुछ था लिखा फिर मिटा भी दिया, खत मेरा पढ़ लिया फिर छुपा भी दिया। और बंद देखें, धड़कने बढ़ गई उस पे तन्हाई थी, धड़कने बढ़ गई उस पे तन्हाई थी, सोचते सोचते आंख भर आई थी, देख कोई न ले आंख में अश्क को, तो चिरागों को उसने
बुझा भी दिया, तो चरागों को उसने बुझा भी दिया, खत मेरा पढ़ लिया फिर छुपा भी दिया, उसने कुछ था लिखा फिर मिटा भी दिया। क्या बात, और देखें कि बहुत याद सुंदर। में वो मेरी यूं तड़पती रही, याद में वो मेरी यूं तड़पती रही, करवटे रात भर बस बदलती रही, याद में वो मेरी यूं तड़पती रही, करवटे रात भर बस बदलती रही, जाने क्या सोच कर वो उठी एकदम, जाने क्या सोच कर वो उठी एकदम, खत निकाला पढ़ा फिर जला भी दिया, खत निकाला पढ़ा फिर जला भी दिया, उसने कुछ था लिखा फिर मिटा भी दिया, खत मेरा पढ़ लिया। बन देखें बहुत सुंदर खत जी। पर ही जला दिल भी जलता रहा, खत भले ही जला दिल भी जलता रहा, जानता हूं ये मैं दर्द जो था सहा, बिजलियां टूट कर आशियां पर गिरी, बिजलियां टूट कर आशियां पर गिरी, हाथ चलते रहे खत बुझा भी दिया, हाथ चलते रहे खत बुझा भी दिया, उसने कुछ था लिखा फिर मिटा भी दिया, खत मेरा पढ़ लिया फिर छुपा भी दिया। और गीता अंतिम बंद है कि रात भर खिड़कियां खोलती वो रही, रात भर खिड़कियां खोलती वो रही, मेरे बारे में ही सोचती वो रही, मैं इशारा समझकर उसे देख लूं, मैं इशारा समझकर उसे देख लूं, एक दुपट्टा सा छत पर सुखा भी दिया, एक दुपट्टा सा छत पर सुखा भी दिया, उसने कुछ था लिखा फिर मिटा भी दिया, खत मेरा पढ़ लिया। बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत रचना है। त्रिलोक मोहन सर कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, सुलेखा मैम कह रही हैं सुभान अल्लाह बेहतरीन, इंद्रजीत शर्मा कह रहे हैं बहुत खूब, सुषमा गुप्ता जी खूब कह रही हैं, सभी लोग सर जुड़े हुए हैं हमसे और अच्छे खूबसूरत कमेंट्स कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार जी। सर स्वागत है आपका। एक और श्रृंगार की गजल आपके बीच रखने का मन है, आप सुनिएगा इसे। सत्यम आनंद जी जो इंटरनेशनल सिंगर हैं, अनूप जलोटा के शिष्य हैं, उन्होंने अपनी आवाज से अपने तरन्नुम से सजाया है। मेरे केवल भाव हैं, शब्द सुर ताल से कोई लेना देना नहीं है, केवल मनोभाव को आप सुनिएगा। मैं पढ़ता हूँ शोक अदाए हो क्या प्यार नहीं होगा, जब शोक अदाएं हो क्या प्यार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा, जब शोक अदाएं हो क्या प्यार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और शेर देखे कि तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने, तू प्यार मुझे करती
ये बात सभी जाने, क्या तुझको लगता है, क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा, क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, क्या दिल का ये गुलशन, क्या दिल का ये गुलशन गुलजार नहीं होगा, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ कि समय की सुई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो बहुत लंबी गजल है सर। अभी हमारे पास 3 मिनट है सर, और हमारी श्रोता जो है फरमाइश कर रही है, सुलेखा जी कह रही है कि कुछ गजल आप सुना दें, तो कुछ उनकी फरमाइश का अगर आप सुनाना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है आपका। अंजू गहलोत जी जुड़ी हुई है, सुषमा गुप्ता जी, सभी लोग सर आ रहे हैं सर, और जी स्वागत है सर। अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है जी, तो 2 मिनट में मैं एक अपने गजल के चंद शेर आपके बीच रखता हूँ कि 4 ईंटों की सहन में जब चिनाई हो गई, 4 ईंटों की सहन में चिनाई हो गई, और भी गहरी दिलों में यार खाई हो गई, और भी गहरी दिलों में खाई हो गई। और शेर देखें, ब्याह बेटे का किया था शौक से उसने मगर, ब्याह बेटे का किया था शौक से उसने मगर, मालकिन थी कल तलक जो आज भाई हो गई, ब्याह बेटे का किया शौक से उसने मगर, मालकिन थी कल तलक जो आज भाई हो गई, और भी गहरी दिलों में यार खाई हो गई। और ये पंक्तियां निवेदन करता हूं, देखिएगा कि देखिए कुत्ते तो घर में शान से हैं रह रहे, देखिए कुत्ते तो घर में शान से हैं रह रहे, माँ हुई बूढ़ी तो बाहर चार पाई हो गई, माँ हुई बूढ़ी तो बाहर चार पाई हो गई। और ये शेर आपकी नजर करता हूं कि घर हुआ है माए का, हर मातृशक्ति को नमन करते हुए पंक्तियां उनके बीच निवेदित करता हूं कि घर हुआ है माए का बस एक जरा सी बात पर, घर हुआ है माए का बस एक जरा सी बात पर, हाथ पीले क्या हुए बेटी पराई हो गई, हाथ पीले क्या हुए बेटी पराई हो गई, चार ईंटों की सहन में जब चिनाई हो गई। और देखिएगा कि बोलना किनको सिखा, बोलना जिनको सिखाया दे रहे वो गालियां, आंसुओं की देख पलकों से रिहाई हो गई, चार ईंटों की सहन में जब चिनाई हो गई, और भी गहरी दिलों में यार खाई हो गई। और मैं देख रहा हूं कि समय हो चला है, समय की मर्यादाओं को सभी रखना चाहिए। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं अंतिम 4 पंक्तियों के साथ, कि समंदर में कई मौजें मचलती छोड़ आया हूं, समंदर में कई मौजें मचलती छोड़ आया हूं, तो जिसका ना खुदा था मैं वो कश्ती छोड़ आया हूं, दिए जो गम कभी तूने उन्हें मैं साथ ले आया, दिए जो गम कभी तूने उन्हें मैं साथ ले आया, लिखा था नाम दोनों का वो तख्ती छोड़ आया हूँ, लिखा था नाम दोनों का वो तख्ती छोड़ आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और सर अभी हमारे जो अगले कवि हैं, जुड़ने वाले हैं, अभी जुड़े नहीं हैं, आप जब तक अपनी एकाध रचना और साझा कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत रचनाएं सर आपकी पंक्तियां। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रखता हूँ जी। बिल्कुल, मैं संजय जी के लिए ही कह रही थी, कितनी खूबसूरती से आपने विभिन्न रंगों को यहाँ पर उड़ेल दिया है इस पटल पर, और आपने सबको उड़ा भी दिया, हंसा भी दिया, प्रेम की रसधार में भी बहा दिया, क्या क्या कहें आप, बिल्कुल बहुत सारे भावों को रसों को लेकर जीने वाले कवि हैं, आपको प्रणाम, आपकी सृजन धर्मिता प्रणम्य है संजय जी, और उसके साथ खूबसूरत सहज सरल
व्यक्तित्व और आपकी भावाभिव्यक्ति बहुत चलिए आप आते जाते हैं। हास्य रंग की एक छोटी सी सुनाइए। रचना आप हो, कभी मैंने लिखी थी, जो स्वागत आपके बीच कर देता हूँ। स्वागत होली के एक मित्र भोले, होली के दिन मेरे मित्र भोले अपनी परम प्रिय पत्नी से बोले, आज के दिन दुश्मन मिल जाते हैं तो आओ मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूं। होली के दिन एक मित्र भोले अपनी पत्नी से बोले, आज के दिन दुश्मन गले मिल जाते हैं तो आओ मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूं, और अगर तुम बुरा ना मानो तो पास बैठी सुनीता को पिचकारी से रंग डालूं। पत्नी मुस्कुराई जिबा में मिश्री से घोली और बोली, प्रिय बुरा क्यों मानूंगी, शौक से मनाओ होली, क्योंकि तुमसे अच्छी तकदीर तो हमारी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो केवल एक पिचकारी है। और मोहल्ले के सारे लड़के कर रहे हैं सुबह से तैयारियां, अरे कब तुम घर से बाहर निकलो, और वो सब मारे मुझ पर पिचकारियां, वो सब मारे मुझ पर पिचकारियां। और सुन क्या ये मत समझा हास की खूबसूरत माहौल ही बदल दिया जी। ये मत समझना कि मैं कोई सीधी सादी घरवाली हूं, अगर तू रामायण का दशरथ है तो मैं भी महाभारत की पंचाली हूं। ये मत समझना कि मैं कोई सीधी सादी घरवाली हूं, अगर तू रामायण का दशरथ है तो मैं भी महाभारत की पंचाली हूं। ये सुनकर मेरे मित्र भोले अपनी परम प्रिय पत्नी से बोले, भगवान आज के युग में आदमी एक ही बीवी से परेशान है, तू क्या समझती है दशरथ बनना इतना आसान है। आज के युग में आदमी एक ही बीवी से परेशान है, तू क्या समझती है दशरथ बनना इतना आसान है। और सुन आज की पंचाली व्यंग की पंक्ति आपके बीच रखता हूं कि सुन, आज पंचाली हर चौराहे पर खड़ी है, आज की पंचाली हर चौराहे पर खड़ी है, पर उसे अपनाने वाले पांडव नहीं है, चीर हरण वाले दुशासन हर जगह है, चीर बढ़ाने वाले माधव नहीं है, चीर बढ़ाने वाले माधव नहीं है, इसलिए तक जो होनी थी तो होली, आओ अब हम गले मिले मनाते हैं। बहुत आभार, आपने जाते जाते एक हास्य रस जो वंचित रह गया था उसे सुधार कर दी, आपका आभार। और हम